ओम शांति। अन्नपूर्णा रसोई में मित्रों आपका स्वागत है। आइए, मैं आपका और आप मेरे इस मेहमान का स्वागत करेंगे। भाई जी, आपका अन्नपूर्णा रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ रेसिपी बना के दिखाई और उसकी सामग्री भी बताई, और वो आपकी जो रेसिपी थी वो बहुत टेस्टी भी थी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी और उन्होंने घर पर प्रयास भी किया होगा कि कितना कितना क्या बनाना है। भाई जी, आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम बहुत विशेष जो हलवा है जी वो बनाने वाले हैं, और मैं समझता हूँ अगर हमारे दर्शक इस हलवे को अगर घर में बनाएंगे जी। तो वो बहुत टेस्टी रहेगा, और विशेष जैसे आप लोग कई जगह देखते हैं कि गेहूं का आटे का हलवा, वास्तविक हम लोग आज जो हलवा बना रहे हैं इसको ये भी कहेंगे कि सिंधी लोग इस हलवे में, इस गेहूं के आटे के हलवे में और भी चीज़ें ऐड करते हैं जी। तो इसमें यह दिखाया हुआ है कि हम आज उसमें गेहूं का आटा, सूजी और मैदा भी ऐड करेंगे जी। तो जब ये चीज़ें उसमें डालेंगे तो उसकी जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया होती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो भी सामग्री चाहिए। बात पूछना चाह रही हूँ, आपने मुझे कुछ समय पहले बताया था कि ये जो हलवा मैं बनाने जा रहा हूँ ये यूट्यूब पे नहीं है। हाँ, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ऐसी क्या खास बात जो आप? तो इसमें ये जो हलवा है वैसे सिंधी लोग जो है जी, अगर उन्होंने किसी ने डाला हो तो आएगा, बाकी ये सिंधी लोगों में विशेष ये चीज बनाई जाती है जी। और अपने यहाँ शुरू से लेके जो भी भोग बनता है जी, भगवान के लिए प्रसाद बनता है गुरुवार के दिन जी, तो उसमें ये जो चीजें है वो विशेष उसमें मिक्स की जाती है, और इसकी जो और मैदा, सूजी और बेसन, बेसन, तो ये चार चीजें उसमें होती है। हम्म, आमतौर पर जो गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं उसमें गेहूं का आटा और मैदा और घी डालते हैं, उसमें सूजी और बेसन नहीं डालते जी। तो ये एक इसकी खासियत है कि ये चार चीजें मिला के अपन इसको बना रहे हैं जी। तो ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, ये जो है ये मैदा, हाँ, ये किस रूप में इसको डाला जाता है, मतलब क्या? ये जो मैदा है इससे सॉफ्ट और लग जाता है, मतलब ये बारीक होता है। अच्छा, ना अच्छा। तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे बनने के बाद जी, तो ये बहुत सॉफ्ट लगेगा, जब आप मुंह में डालोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ है ही नहीं आपके मुख के अंदर जी, तो इतना वो सॉफ्ट लगता है, मतलब घुल जाता है, घुल जाता है। और ये मैदा, हाँ, इसमें ये जो ये मैदा है और ये बेसन है जी, इससे जो टेस्ट है वो अच्छी लगती है, इसकी अलग प्रकार की टेस्ट हो जाती है। गेहूं और ये जो आटा है जी, इसके बाद जब भी हम बेसन मिलाते हैं तो उसकी जो टेस्ट है चेंज हो जाती है, इसलिए इसको बेसन को हम इसमें मिलाते हैं जी। और ये है रवा रह गया, तो अभी हम क्रमशः आप लोग सभी देख रहे हैं जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ रख लिए है। अभी इसको कैसा बनाना है ये हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम अभी कढ़ाई को हमने थोड़ा गर्म करके रखा है जी। तो ये घी इस पे हम डालेंगे। अभी इसके अंदर ये देखना है कि आप कहेंगे कि घी कितना डालना है। हलवे के अंदर ऐसा घी अगर ज़्यादा भी होता है तो टेस्टी लगता है जी। और घी निकल भी जाता है, मतलब अगर ज्यादा भी हो जाए तो निकल जाता है। तो हम एक कटोरी आटा और आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी मैदा और आधी कटोरी ये बेसन, बेसन, इसके लिए कितना कटोरी घी? आप एक कटोरी तो डाल सकते हैं। अच्छा। तो हमने आधा कटोरी पहले भूनने के लिए डाला है। अच्छा। बाद में होने के बाद हम और घी डाल देंगे जी, जी, तो सबसे पहले हम यहाँ सूजी डाल रहे हैं, क्योंकि सूजी थोड़ी मोटी होती है अन्य चीज़ों के तुलना में, इसलिए हम ये यहाँ ये आधी कटोरी सूजी हमने लिया है। अभी हम इसको भून रहे हैं जी। अभी ये आप देखना क्या क्या चीज़ डालनी है तो आपको वो ध्यान में आएगा जी। जी जी, ये भी आपने ये इधर राजस्थान में ही? हाँ, यहाँ आने के बाद ये सीखा है। वैसे हम लोग जो बनाते थे घरों में जी, तो उसमें क्या हो जाता है, या तो गेहूं का आटा या तो सूजी चीनी इतना ही होता था जी, जी, जी। और दूसरा ये बताना है कि आजकल लोग चीनी को थोड़ा सा वो समझ रहे हैं, तो इसके बजाय गुड़ भी यूज कर रहे हैं।
अच्छा, अगर चीनी के बजाय आप गुड़ भी डालेंगे तो वो और टेस्टी हो जाएगा, लेकिन उसमें रंग चेंज हो जाएगा। हाँ, कलर चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छे है। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये हम सूजी डाल दिया पहले, अभी ये भून रही है, उसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। ये एक कटोरी गेहूं का आटा है। अभी ये गेहूं का आटा हमने इसमें डाल दिया। ये अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको खुशबू आ जाएगी इसकी। एक बात और, ये दूध, हाँ, ये हम बाद में जब पानी डालेंगे जी हलवे के अंदर, तो कई लोग जो है आधा डोल डालते हैं और आधा पानी डालते हैं, लेकिन हम एक टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। कभी कभी घरों में दूध नहीं भी होता है लोगों के पास, या महंगा होता है, तो नहीं भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, तो वो टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि धीरे 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 इसकी खुशबू आपको आ रही है। उसके बाद हम बेसन डालेंगे, ये आधा कटोरी बेसन है, आधा कटोरी बेसन है जी। अभी बेसन डालने के बाद आपको अलग खुशबू लगी होगी, साथ ही साथ इसमें रंग भी चेंज होता है। हाँ जी, थोड़ा सा हम घी और डाल देंगे भुनने के लिए। मतलब ये आप देख रहे हैं, पूरी एक कटोरी लग जाती है। हाँ, ये कटोरी अगर घी डालेंगे तो बहुत टेस्टी प्रसाद जैसे बनेगा, कहने का भाव। ये देख रहे हैं आप, प्रसाद जैसे बनेगा जी। और मैदा हमको आधा कटोरी नहीं डालना है, मैदा आधे से भी आधा ही डालना है जी। ये आप देख रहे हैं, एक चौथाई हिस्सा मैदा डालना है। धीरे धीरे अपना घी छोड़ रहा है ना। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, इस हलवे को हम जैसा 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 भूनते जाएंगे जी, उसका जो कलर है वो ब्राउन होता जाएगा। हुँ. और इसका जब कलर ब्राउन होगा, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, पहले इसको अच्छा भुनना है जी। जितना आप अच्छा भुन लेंगे, ब्राउन कलर होगा, तो उतनी अच्छी उसकी टेस्ट बनती है। जो आप खुशबू की बात कर रहे थे, आना शुरू हो चुकी है। इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर आप इसको अच्छा नहीं भुनेंगे तो बाद में वो चिपक जाता है। अच्छा। तो जितना हो सकता है आप अच्छी तरह से इसको भून लेना। अभी धीरे 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 इसका कलर दूसरा। इसमें एक बात और भी, कई कई लोग क्या करते हैं, ये हमारी देशी परंपरा है, कई कई लोग क्या करते हैं कि पहले चाशनी बना के भी रखते, जैसे ये चीनी मैंने आपको कहा जी, तो उसमें डबल पानी डाल के बना कर रखते, और फिर जब ये लाल हो जाएगा तो उसमें डाल देते। अच्छा, मतलब जैसे आपने पहले बना के रख दिया चाशनी, बना के रख दिया चीनी की, और ये जैसे लाल हो जाता है तो इसमें भी डाल देते हैं, तो इसके वो भी एक तरीका है। और ये भी तरीका है कि हम डायरेक्ट चीनी डालेंगे, पानी डाल के फिर चीनी डालेंगे, ये भी तरीका है। तो अभी हम इसको जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे 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 इसको भून रहे हैं, और पहले जैसे कहा था दर्शकों को कि आप जब भी बनाते हैं तो भगवान के लिए सबसे पहला हिस्सा निकालते होंगे जी, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भगवान के लिए पहला हिस्सा निकालते हैं तो हमारे स्मृति में भी भगवान की याद नेचुरली रह जाती है। आपने इसमें कहा कि सिंधी डिश है। हाँ जी, सिंधी किस तरह से, मतलब ये सारी सामग्री डालने से, या एक सिंधी भोजन की एक आपको खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जी। विशेष सिंधी परिवार में जो भी लोग रहते हैं या सुनते होंगे भाई बहने, तो हमने देखा है कि
आपके सामने एक एक चीज़ हम लाएंगे, एक दिन सिंधी कढ़ी भी बनाएंगे जी। तो ये जो चीज़ होती है इसमें क्या हो जाता है, सिंधी लोगों के भोजन में हमने दादियों से सीखा, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना इकट्ठी की जाती हैं। अच्छा, ऐसी एक चीज़ पसंद है, जैसे सिंधी कढ़ी में आप देखेंगे हम बनाएंगे एक दिन, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो कितनी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो जैसे अभी ये हलवा आपने देखा कि इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें कितनी चीज़ हमने डाल दिया है। तो इसलिए सिंधी लोगों की जो डिश होती है घरों में भी प्रायः, तो उसमें यह होता है कि वो काफ़ी चीज़ें, सब्जियां भी होंगे ना तो काफ़ी सब्जियां डालेंगे, तो एक चीज़ से वो कभी ये नहीं होंगे उनको। उसमें जो भी बनाएंगे टमाटर भी होगा ज़्यादा, अगर देखेंगे तो उनके भोजन में टमाटर भी रहता है। अभी अपना घी छोड़ रहा है। हाँ, अभी घी छोड़ेगा और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। अभी इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि इसमें अगर गुजरात साइड आप जाएंगे तो महाराष्ट्र गुजरात में इतना लाल नहीं होता है, वहाँ जो हलवा होता है डिश होती है वो थोड़ा वाइट होता है, तो उसको ज़्यादा नहीं भूनते हैं। अगर यही डिश आप, जैसे मैंने कहा कि भुना हुआ इन लोगों को ज़्यादा लगता है, सिंधी डिश जो है कि भुनी हुई होती है जी, तली हुई होती है जी, और चटपटी होती है, भुना हुआ तला हुआ और चटपटा, तो ये जो चीज़ है इसमें होने के कारण थोड़ा हम इसको भून रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैसा कलर चेंज होता जा रहा है जी, जी, जी। साथ ही साथ में कढ़ाई का वो भी छोड़ रहा है। हाँ, वो कढ़ाई का आप देख रहे हैं ना जी, जी, कि वो अगर चिपकना, जितना आप भुनेंगे उतना वो चिपकना भी छोड़ देता है। इधर हमने पानी रखा हुआ है, साथ साथ अगर गर्म पानी रखते हैं तो वो जल्दी, इसमें जब डालते समय गर्म पानी हमको डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ तक देखा जाए तो आपने सारी डिश अपने इधर, हाँ जी, आश्रम में आपने यहाँ बनाई हुई है जी। और जो शुरू शुरू में हम 20-25 साल पहले जब दादियाँ थी हमारी, तो हम बहुत डिश बनाते थे जी। तो हमें फिर वही याद आया कि चलो आप इस मौके पर पुनः उस स्मृतियों को ताज़ा करें और उस डिश को हम वापस बनाएं। अभी आप देख रहे हैं एकदम जो भी चारों चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिल भी गई और भुन गई है। तो अभी इसमें हम डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, ये ध्यान रखना होता है, समझो 3 गुना आप इसमें पानी डालेंगे। अभी अभी ये पूरा भुन गया है। अच्छे से मैश और वो भून गया। अभी इसमें हम 3 गुना पानी डाल देते हैं। अगर इसमें आपको लिक्विड रखना है समझो जी, तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हलवे को जी। अभी आप देख रहे पूरा भून गए हैं। पानी डालते समय थोड़ा सा मुंह अपना इधर ले लेना, क्योंकि उसकी जो स्टीम है वो बहुत फास्ट गति से, ये देखा आपने, मुंह थोड़ा सा पीछे ले लेना। ये हमने पानी डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि जब आप पानी डालते हैं तो उसको अच्छी तरह से भून लेना है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 5 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें जी। तो ये आप देख रहे हैं अभी इसमें, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है लिक्विड चाहिए तो पानी और भी डाल सकते हैं जी। फिर इसका जब हम चीनी डालेंगे तो चीनी के बाद भी थोड़ा पानी छूटता है जी।
ये देखिए आप देख रहे कलर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी ये जो देखो चीनी डालने के पहले ही इसने किनारा छोड़ दिया जी, तो ये होता है कि अच्छी तरह से पक गया है जी। ये आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चीनी डाली हुई, लेकिन अभी चीनी डालना बाकी है इसमें। तो अभी ये पक गए हैं, तो हम अभी इसमें चीनी डालेंगे जी। ये जैसे आपके सामने रखा हुआ है पूरा एक कटोरी, पूरा एक कटोरी हम चीनी डाल देंगे। अभी ये जैसा जैसा इसमें मिक्स होगा तो वैसे वैसे इसका जो कलर है थोड़ा डार्क हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले ब्राउन था, तो थोड़ा सा चीनी से कलर डार्क हो जाता है। और जैसे आपने पूछा था कि अगर गुड़ डालेंगे तो और डार्क होगा, लेकिन वो बहुत टेस्टी होगा जी। एक दिन अपन अगर गुड़ डालना है तो वो भी दर्शकों को दिखाएंगे, तो उसकी जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया होती है। ये आप देख रहे हैं अभी। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब हम सूजी डालते हैं, थोड़ा सा आधा सूजी पकने के बाद वो चीनी डाल देते हैं, उसमें क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि आपने तो सारा पकने के बाद चीनी डाला है। हाँ, होता ये है कि पकने के बाद ही चीनी डालना होता है, तो वो अगर आप बीच में ही डाल देंगे समझो, तो वो टेस्ट नहीं लगेगी। उसकी जो टेस्ट है जैसी होनी चाहिए हलवे की, वो नहीं लगेगी। क्योंकि हलवा तभी पक्का हुआ कहा जाता है कि जब वो किनारा छोड़ दे। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पूरी अभी चीनी भी मिक्स हो गई, चीनी के होने के बाद भी उसने अपना किनारा छोड़ दिया। अभी हम थोड़ा सा और इसमें घी, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट में, थोड़ा टेस्ट के लिए घी डाल देंगे। हमें पूरा ये कटोरा तो घी नहीं लगा है, क्योंकि थोड़ा सा कम था, क्योंकि उसके हिसाब से मटेरियल हमारा ज्यादा था जी। आपने देखा होगा जी, ये देख रहे हैं आप कि पूरा बिल्कुल टेस्ट होने के लिए, टेस्टी बनने के लिए, ये आप देख रहे हैं। कहीं भी चिपक नहीं रहा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो यहाँ ड्राई फ्रूट रखा हुआ है जी, प्राय घरों में सभी के पास तो ड्राई फ्रूट होता ही है जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे जी। ये किशमिश, हाँ ये किशमिश भी डाल देंगे इसमें, और ये काजू है। तो ये जब हम हॉटकेस में निकालेंगे बाद में जी, तो उसके ऊपर भी जैसे आपको मेहमानों को खिलाना है, तो सजाने के लिए जैसे डिश सजाते हैं, तो उस समय भी। अभी आप देख रहे हैं कि हिलाने में इतना मतलब ये हो रहा है कि वो तुरंत किनारा छोड़ देता है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही। अभी आपने देखा जी, उसके बाद थोड़ी सी इलायची डाल देंगे। ये मोटी इलायची? हाँ ये छोटी इलायची है, मोटी नहीं। मोटी इलायची जो है वो सब्जियों में डालते हैं, सब्जियां जो बनती हैं। लेकिन छोटी इलायची का तो रंग जैसे पीला शेड होता है। इसको हमने सिल्का निकाल के पीस लिया मिक्सर के। अच्छा, उसमें थोड़ी चीनी डालते पीसते समय जी, जी, तो जी। वो अच्छी होती है। अभी इलायची हमने डाल दिया जी। आपने देखा, अभी हम ये जैसे मैंने कहा वो भोग का लो, दूध के लिए। हाँ दूध रह गया था, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, आपने ये पूरा तैयार कर दिया है, लेकिन आप दूध हम डाल सकते हैं, क्योंकि दूध होता ही टेस्ट के लिए जी। तो दूध भी हम इसमें डाल सकते हैं जी, जैसे आपने कहा। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा सत्यनारायण का जब प्रसाद बनता है जी, 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 तो उसमें भी विशेष ब्राह्मण लोग दूध का प्रयोग करते हैं। दूध हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसकी बहुत अच्छी टेस्ट आती है जी। आधा पानी आधा दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा ही दूध डाला है जी। तो आप देख रहे हैं कि दूध से भी और कलर जो है थोड़ा सा व्हाइट हो गया दूध डालने से, पहला ब्राउन कलर था जी, जी।
आपने उसमें एक खासियत बताई थी। हाँ जी, कि आपने बोला था कि गुजरात के जो डिश बनती है हलवा, हाँ जी, तो सफेद करने के लिए आप, हाँ उसमें वो इन्हें ज्यादा भूनते नहीं, अपन भूनने के कारण कलर बहुत बढ़िया हो गए हैं, और वो लोग ज्यादा इसको भूनते नहीं है, थोड़ा सा इसलिए वो व्हाइट रह जाता है। अभी ये पूरी तरह, अभी पूरी तरह से पक चुका है, थोड़ा सा ठंडा होने देना क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। टेस्टी, सब आपने जितनी भी चीजें इसमें जितनी भी सामग्री डाली है एक एक मात्रा में डालकर उसको पूरा एक अच्छे तरीके से बनाया है। जो इंसान सीखता है, सीखने के बाद भी अगर उसको प्रयास करता है वो भी इतने परफेक्ट तरीके से नहीं बनाता है। आपने तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के इस किचन में जो डिश आपने सीखी वो आपने कायम रखी और आपने बना के दर्शकों को भी दिखाई। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए अन्नपूर्णा रसोई में, ये चार तरह की चीज़ों को मिलाकर एक जो डिश बनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज हमने सीखा सिंधी हलवा। इसका नाम सिंधी हलवा इसलिए है क्योंकि इसमें चार प्रकार की चीज़ें डाली जाती है। बालू भाई जी ने बताया कि सिंधी में जो भी चीज़ें बनाती हैं सब चीज़ों को मिलाकर वो चीज़ें एक डिश बनती है। आज ये डिश थी सिंधी हलवा। इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि सूजी, आटा, मैदा और बेसन को मिला के साथ ही साथ इसमें रंग अच्छा आने के लिए दूध भी डाला जाता है। इस हलवे को कितना टेस्टी मैंने देखा, चख के देखा, ये मुझे मालूम है। उम्मीद है आप अपने घर में परिवार वालों को, भगवान को चढ़ाकर फिर अपने परिवार को खिलाएं, अच्छा लगेगा। अगली कड़ी में, अगली अन्नपूर्णा कड़ी में हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।